Hello students, welcome to the e-learning class of MABL. Today in class 4, we will study our next and last chapter of PA2 in science, that is chapter number 4, Animals Living and Surviving. बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जानवर होते हैं वो कैसे जीवित रहते हैं और वातावरण में अपने आप को जीवित रखने के लिए कौन सी तरीकों को अपनाते हैं, कौन कौन से तरीकों को अपनाते हैं. ठीक, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. आप अपने बुक का चैप्टर नंबर 4, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, पेज नंबर 31 खोलिए. एनिमल्स जस्ट लाइक प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. दे लिव इन फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, स्नो कवर्ड एरियाज, वाटर बॉडीज एटसेट्रा. एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स की तरीके ही पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हमें मिलते हैं. दे लिव इन फॉरेस्ट, वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट में, जंगल में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, डेजर्ट्स में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, स्नो कवर्ड एरियाज जो बर्फ से ढके हुए एरियाज होते हैं वहाँ पे रहते हैं, वाटर बॉडीज वाटर में रहते हैं और एटसेट्रा. एनिमल्स लिविंग इन वन रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स लिविंग इन अदर रीजन. एक क्षेत्र में रहने वाले जानवर जो होते हैं वो दूसरे क्षेत्र में रहने वाले जानवर से भिन्न होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं. ठीक, जैसे जो जानवर डेजर्ट में, रेगिस्तान में रह रहा होगा, वो जानवर जो है वो क्या होगा, वो माउंटेन में रह रहे जानवर से थोड़ा सा अलग होगा. तो इस तरीके से इन, इफ अ फिश इज टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर हम मछली को वाटर से, पानी से बाहर निकाल लें तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, इट विल डाई, वो मर जाएगी. सिमिलरली इफ अ माउस इज थ्रोन इन टू वाटर, इसी तरीके से अगर जो चूहा होता है उसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होगा, इट विल डाई आफ्टर सम टाइम, तो वो थोड़े देर बाद क्या होगा, मर जाएगा. इन फैक्ट ईच एनिमल सर्वाइव्स इन इट्स ओन एनवायरनमेंट, इससे ये पता चलता है कि जो जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो अलग अलग सराउंडिंग यानी अलग अलग वातावरण, अलग अलग टाइप के क्षेत्र में वो सर्वाइव कर पाते हैं. अब मछली को अगर हम वाटर से बाहर कर देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी, नहीं, वो थोड़ी देर में मर जाएगी. इसी तरीके से अगर हम चूहे को फेंक दें पानी में तो वो भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो भी मर जाएगा. तो जानवरों के लिए भी क्या होता है कि कुछ एनवायरनमेंट, कुछ वातावरण ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो अपने आप को जीवित रख सकें. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, वो जगह जहाँ पे जानवर प्राकृतिक रूप से रहते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं, यानी उनका आवास कहते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड इन अ हैबिटेट. अब हैबिटेट में क्या होता है, कई प्रकार के जानवर जो है वो मिलते हैं और हर प्रकार के जानवर क्या होते हैं, डिफरेंट हैबिटेट, उनका जो आवास होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है. मतलब एक जानवर जो होते हैं वो उनका एक ही आवास में नहीं रह पाते, उनका वातावरण के हिसाब से उनका आवास जो है वो अलग होता है, एक जानवर से दूसरे जानवर से भिन्न होता है. ठीक, एन एनिमल स्पीशीज बाय लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स डेवलप सर्टेन बॉडी फीचर्स, दीज बॉडी फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव इन दैट हैबिटेट. अब उनकी बॉडी के जो फीचर्स होते हैं, जो गुण होते हैं उनकी बॉडी, शरीर के जो गुण होते हैं, वो ही उन्हें अलाउ करते हैं कि वो कौन से वातावरण में रह पाएंगे. दिस प्रोसेस ऑफ एनिमल्स एडजस्टिंग देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अडैप्टेशन, यही प्रक्रिया जिससे जानवर जो है वो किसी वातावरण में अपने आप को अडाप्ट करता है, अपने आप को सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अडैप्टेशन कहते हैं. ठीक, अब आते हैं द अडैप्टिव हेल्प देम टू फीचर्स ऑफ एनिमल्स, कुछ फीचर्स हैं एनिमल के जो क्या करते हैं, उन्हें हैबिटेट में, अडैप्टेशन में रहने के लिए उनके कुछ अडैप्टिव फीचर्स होते हैं कि वो किन फीचर्स के कारण वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे. देखिए, कोप विद डिफिकल्ट सिचुएशंस ऑफ लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस,
जो सबसे विषम परिस्थितियां होती हैं, जिसमें कि वो अपने आप को ढाल लेता है। हर जगह हर जानवर अपने आप को हर वातावरण में नहीं ढाल पाता, ठीक है ना। जो स्नो में रहने वाले जानवर होते हैं, स्नो एरिया में, वो अपने आप को डेजर्ट एरिया में नहीं ढाल पाएंगे। तो उन्हें ये अडाप्टेशन ये सिखाता है कि मतलब कैसे हम कौन से वातावरण में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। सर्च एंड गेट फूड, वहाँ पे वो क्या करते हैं, घूमते हैं, सर्च करते हैं। और फूड क्या, किसके लिए सर्च करते हैं, फूड के लिए। भाई अगर हम और आप कहीं में भी किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो किस लिए जाते हैं, ताकि हम अपना पेट भर सकें। तो इसी तरीके से जानवर भी होते हैं, वो भी जगह जगह घूमते हैं, किस लिए, क्योंकि जिससे वो अपना पेट भर सकें। प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज, और उन्हें एक अच्छा अडाप्टेशन चाहिए होता है, जिससे कि वो अपने जो एनिमीज होते हैं, जो उनके दुश्मन होते हैं, वो उनसे अपने आप को बचा सकें। तो अब आते हैं हम अडाप्टेशन टू हैबिटेट पे। देयर इज अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स ऑन द अर्थ, अर्थ पे बहुत सारे विभिन्न प्रकार के हैबिटेट यानी आवास हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज, हैबिटेट के ही बेसिस पे क्या हुआ है, एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। नंबर वन टेरेस्ट्रियल, नंबर टू एक्वेटिक, नंबर थ्री एम्फीबियंस, नंबर फोर एरियल और नंबर फाइव एर्बोरियल। इन पांच कैटेगरीज में एनिमल्स को क्या किया गया है, बांटा गया है। अब हम सबसे पहली कैटेगरी टेरेस्ट्रियल यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कैटेगरी पे आते हैं, जो कि क्या टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, जो पृथ्वी पे संबंधित जो एनिमल होते हैं, यानी जो पृथ्वी पर रहते हैं, ऐसे जानवर के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे यानी पृथ्वी पे रहते हैं। बट द कंडीशंस ऑन लैंड ऑल्सो वेरी, लेकिन लैंड पे जो उनकी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो भी विभिन्न प्रकार की होती है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड बफेलोज लिव इन वार्म रीजन्स, जो एनिमल जो जानवर एलिफेंट और बफेलो, ये जो दो जानवर होते हैं, ये कैसे क्षेत्र में रहते हैं, गर्म क्षेत्र में रहते हैं, यानी जहाँ का वातावरण क्या होगा, गर्म होगा, वहाँ पे अपने आप को जीवित रख पाते हैं। वार्म रीजन यानी गर्म क्षेत्र में रहते हैं। दे हैव वेरी लिटिल हेयर ऑन देयर स्किन, उनके स्किन पे क्या होता है, उनकी बॉडी पे बहुत ही छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ एंड वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बाद वो ब्रीथ किससे करते हैं, सांस किससे लेते हैं, लंग्स यानी फेफड़ों से लेते हैं। और उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही डेवलप होते हैं, बहुत ही विकसित होते हैं। विच एनेबल देम टू सेंस चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, जो कि उनको ये बताते हैं कि हमारी सराउंडिंग्स में जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें हमें अपने आप को किस तरीके से ढालना है। एनिमल्स लाइक कैमल्स, लिजार्ड्स, रैट्स एंड रैबिट्स लिव इन हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, कुछ जानवर जैसे कैमल जो होते हैं, ऊंट जो होता है, लिजार्ड छिपकली, रैट चूहा और रैबिट खरगोश, ये सब जो होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं, ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, गर्म और सूखे रेगिस्तान में ये रहते हैं। दे हैव थिक स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही, चमड़ी जो उनकी होती है वो बहुत ही क्या होती है, थिक होती है यानी मोटी होती है। विच अलाउज देम टू कंजर्व वाटर एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, अब स्किन जो है वो बहुत ही मोटी है, बहुत ही थिक है, तो इससे इन्हें क्या फायदा होता है, जो वाटर होता है वो इसे अच्छे से कंजर्व कर लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन, और सूर्य की जो बहुत ज़्यादा तपती हुई रोशनी होती है उससे क्या होता है कि ये अपने आप को बचा लेते हैं। अ कैमल स्टोर्स एक्सेस फूड इन इट्स हम, कैमल जो होता है, ऊंट जो होता है, वो ज़्यादा खाना जो होता है, एक्सेस फूड जो होता है, उसे क्या करता है, अपने हम यानी अपने कूबड़ में रखता है। एज फैट, किस कैसे कौन से उसमें रखता है, फैट की तरह रखता है। एंड यूज इट व्हेन फूड एंड वाटर इज स्केयर्स, और उसे कब यूज इस्तेमाल करता है, वो जो कूबड़ में फूड को रखता है उसे कब इस्तेमाल करता है, व्हेन फूड एंड वाटर इज स्केयर्स, जब
होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है, यानी नहीं मिलता है, तब वो अपने उबड़ में रखे हुए फूड का इस्तेमाल करता है। द कैमल्स फीट आर ब्रॉड एंड हर पैड्स विच हेल्प इट टू वॉक ऑन सैंड। कैमल की जो फीट होती है वो क्या होती है, बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही चौड़ी होती है और पैड की तरह होती है, विच हेल्प इट टू वॉक ऑन सैंड, जो कि भाई चौड़ी रहेगी तो वो अपने शरीर का बैलेंस जो है वो आसानी से कर पाएगा। तो जो सैंड होता है मिट्टी पे, वो क्या करता है, बालू पे आराम से अपने आप को चला लेता है। इट्स फीट डू नॉट सिंक इन टू सैंड, उसकी जो फीट होती है वो बालू में क्या होती है कि घुसती नहीं है। बट अलाउ इट टू रन ऑन सैंड, लेकिन उसको ये अलाउ करती है कि वो सैंड पे दौड़ सकता है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स, यॉक्स एंड मस्क ऑक्सन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस। ये जानवर जो पोलर बियर होते हैं, याक होता है, याक एक प्रकार एक जाति का बैल होता है, मस्क ऑक्सन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस, ये कहाँ पे रहते हैं, बहुत ही कोल्ड, जहाँ पे बहुत ही ठंड रहती है वहाँ पे ये सर्वाइव करते हैं। दीज एनिमल्स हैव थिक स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक यानी बहुत ही मोटी होती है, एंड फर ऑन देयर बॉडीज, और इनकी बॉडीज पे क्या होते हैं, फर होते हैं यानी क्या होते हैं, रोए होते हैं। एनिमल्स लाइक सील्स एंड वॉलरसेस हैव अ लेयर ऑफ फैट। ये एनिमल कौन से, सील, सील एक मछली होती है और वॉलरस को क्या कहते हैं, दरियाई घोड़ा कहते हैं। तो ये जो दो जानवर होते हैं इनकी हैव अ लेयर ऑफ फैट, फैट का, वसा का क्या होता है, पूरी एक परत होती है इनकी बॉडी में, कॉल्ड ब्लबर, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। बीनीथ द स्किन विच कीप्स देयर बॉडीज वार्म, और कहाँ पे होती है, बीनीथ द स्किन यानी स्किन के नीचे होती है, जो कि क्या करती है, विच कीप्स देयर बॉडीज वार्म, उनकी बॉडी को गर्म रखती है। भाई ठंड में रह रहे तो उनकी बॉडी को गर्म रखेगी, तो उसको वो फैट की, वसा की एक लेयर होती है जिसको कि हम ब्लबर कहते हैं, और कहाँ होती है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे होती है, जो कि इनको गर्म रखने में मदद करती है। सम एनिमल्स लाइक बियर्स, फ्रॉग्स, टोड्स एंड स्क्विरल्स ईट अ लॉट ऑफ फूड व्हेन फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन समर। अब कुछ एनिमल्स कौन कौन से देखिए, कौन कौन से एनिमल्स हैं, बियर्स हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये सब क्या करते हैं, मेढक, स्क्वायरल यानी स्क्वायरल किसको कहते हैं, गिलहरी को कहते हैं, ये सब क्या करते हैं कि ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत सारा खाना खाते हैं। वेल फूड इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन समर, और कब खाते हैं, जब गर्मियों में फूड जो है, खाना जो है वो बहुत मात्रा में इनको, मतलब बहुत मात्रा में अवेलेबल होता है, तो ये उस समय खाने को ज़्यादा खाते हैं। दे स्टोर दिस फूड इन देयर बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब अपनी बॉडी में उस खाए गए खाने को ये स्टोर करते हैं यानी संरक्षित करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट, और किस फॉर्म में करते हैं, फैट यानी वसा के फॉर्म में। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 33। व्हेन विंटर कम्स, जब विंटर आता है यानी जब ठंड आती है, तो क्या होता है, दे कर्ल अप इन अ सेफ प्लेस एंड गो ऑफ टू स्लीप फॉर द एंटायर सीजन। तो ये अपने आप को एक सेफ प्लेस पे, सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं और पूरे सीजन यानी जब तक विंटर रहेगा तब तक के लिए क्या करेंगे, ये सो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे सर्वाइव ऑन दिस स्टोर्ड फूड। अब इस दौरान ये क्या करते हैं, ये जो फूड अपने आप में सुरक्षित करते हैं अपनी बॉडी में, उसी से ये क्या करते हैं, अपना भोजन लेते हैं। दिस स्टेट ऑफ एनिमल्स इन एक्टिविटी इज कॉल्ड हाइबरनेशन। ये अवस्था जानवर की, जब जानवर के अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। जानवर के अंदर जब कोई भी प्रतिक्रिया जानवर नहीं करता, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो जानवर जल में रहते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ फिश, कई प्रकार की मछलियाँ, प्रॉन्स, प्रॉन्स झींगा को कहते हैं,
सी हॉर्सेस, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, क्रैब्स, क्रैब्स केकड़े को कहते हैं, स्नेक्स, सांप एक्सेट्रा आर फाउंड इन वाटर, ये कहाँ पे मिलता है, वाटर में मिलता है, पानी में। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ, बहुत मैक्सिमम एनिमल, मैक्सिमम जानवर, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, जो जलीय जानवर होते हैं, उनमें क्या होता है कि गलफड़ा होता है, गिल्स होते हैं, उससे वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दे एब्जॉर्ब डिसॉल्व्ड एयर फ्रॉम वाटर, वो वाटर में जो एयर मिश्रित होती है उसे क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। द एक्सेप्शंस आर, इनके कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ अपवाद भी हैं, वो क्या है, आर व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स। व्हेल जो दूध पिलाने वाली मछली होती है उसे हम व्हेल कहते हैं, एंड डॉल्फिन जो समुद्री मछली है, दैट हैव लंग्स टू ब्रीथ। अब बाकी में क्या होता है, गिल्स होते हैं, लेकिन जो एक्सेप्शन, जो अपवाद हैं, वो अपवाद क्या है, व्हेल है और डॉल्फिन, इन दो में क्या होता है, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, जिनसे कि क्या करते हैं, सांस लेते हैं। दे कम अप टू द वाटर सरफेस टू ब्रीथ एयर फ्रॉम द एटमोसफियर, ये वाटर सरफेस पे आते हैं, किस लिए आते हैं, एटमोसफियर से एयर को लेने के लिए आते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं उनके पंख होते हैं, फिन्स होते हैं, और लिम्स टू हेल्प देम टू स्विम, वो क्या करते हैं, उनके पंख जो हैं वो उनको तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। द बॉडी ऑफ अ फिश इज शेप्ड लाइक अ बोट, अब शिप वो फिश की जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है फिश का, वो कैसा होता है, बोट के तरीके होता है, ठीक, उसका शेप बोट के तरीके होता है। अ टर्टल हैज पैडल लाइक फीट, टर्टल कछुआ की जो फीट होती है, पैर जो होते हैं कछुए के, वो कैसे होते हैं, पैडल के तरीके होते हैं। एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक्स हैव वेब्ड फीट, अब एक्वेटिक बर्ड है, जलीय बर्ड है, कौन सी है, डक, बतख जो है, उसमें क्या होता है, वेब्ड फीट, यानी झिल्लीदार उसके जो होते हैं पैर होते हैं। दे यूज देम एज पैडल्स फॉर स्विमिंग, वो उसको पैडल की तरह इस्तेमाल करती है, किसमें, स्विमिंग के लिए, यानी तैरने के लिए। अब हम आते हैं एम्फीबियंस, जिनको कि हम उभयचर भी कहते हैं। एम्फीबियंस आर द एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, ऐसे जानवर जो पृथ्वी पर भी रहे और जो पानी में भी रहे, ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, फ्रॉग्स, टोड्स, न्यूड्स, न्यूड्स क्या होती है, छिपकली जैसा एक छोटा जंतु होता है, आर सम एम्फीबियंस, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, उभयचर यानी एम्फीबियंस। वेन ऑन लैंड दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लैंग, जब ये लैंड पे होते हैं यानी जब ये पृथ्वी पर होते हैं तो कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, लंग से, फेफड़ों से लेते हैं। वेन इन वॉटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और जब ये वॉटर में होते हैं तो कैसे लेते हैं सांस, तो मॉइस्ट स्किन यानी जो इनकी नम वाली त्वचा होती है उससे ये लेते हैं। फ्रॉग्स हैव वेब्ड हिंड लेग्स, फ्रॉग्स जो होता है, मेंढक जो होता है, उसके जो पिछले पैर होते हैं, विच हेल्प देम टू स्विम, वो क्या करते हैं, उसको तैरने में मदद करते हैं, उसके पिछले पैर। अ क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल दैट इज फाउंड इन और नियर वाटर, अब जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जो होता है, वो एक प्रकार का रेप्टाइल होता है। रेप्टाइल किसे कहते हैं, जो रेंगने वाला जंतु होता है उसे हम रेप्टाइल कहते हैं। तो रेप्टाइल कहाँ पे मिलता है, क्रोकोडाइल, ये इन और नियर वाटर, या तो पानी के अंदर मिलेगा और या तो पानी के आसपास मिलेगा। इट हैज अ लॉन्ग एंड स्लेंडर बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और बहुत ही सुडौल होती है। इट स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लेग्स एंड टेल, ये जो होता है ये पानी में कैसे स्विम करता है, कैसे तैरता है, अपने पैरों से और अपनी पूंछ से, अपने टेल से, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 34, एरियल एनिमल्स, अब हम एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो उड़ते हैं, उड़ने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स कहते हैं। एरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। ऑल बर्ड्स, सभी बर्ड्स जो होती हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, और फ्लाइटलेस बर्ड यानी जो जिनके पंख नहीं होते, जो उड़ नहीं सकती, इनको छोड़ के। मोस्ट विंग्ड इंसेक्ट्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप, बहुत सारे पंखों वाले कीड़े और चमगादड़ इस कैटेगरी में आते हैं। बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, अब बर्ड्स पे क्या होता है, फेदर्स होता है, इनकी बॉडी पे क्या होता है, फेदर्स होता है।
दे हैव हॉलो एयर कैविटीज इन देयर बोन्स. इनकी बोन्स में क्या होता है, खोखला खोखला एक छेद होता है जिससे कि क्या होता है, एयर जो है वो पास होती है. विच मेक देयर बॉडी लाइट, जो कि उनकी बॉडी को उनके शरीर को बहुत ही हल्का बनाती है. देयर बोट शेप बॉडीज, अब इनकी बोट शेप मतलब बोट की तरह, बोट के आकार की बॉडी जो होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, इनकी जो मांसपेशियां होती हैं बहुत ही मजबूत होती हैं. एंड विंग्स हेल्प देम, और जो पंख होते हैं हेल्प देम टू फ्लाई इजीली, ये क्या करते हैं, इनको उड़ने में मदद करते हैं. बैट्स डू नॉट हैव विंग्स, जो बैट्स होता है यानी जो चमगादड़ होता है उसके क्या होते हैं, उसके विंग्स नहीं होते. बट दे कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर स्ट्रेच्ड आउट स्किन, लेकिन इनकी त्वचा में कुछ खिंचाव होता है जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, उड़ते हैं. ठीक, उस खिंचाव की वजह से ये उड़ पाते हैं. अब हम आते हैं एर्बोरियल एनिमल्स पे. तो एर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो वृक्षों पे रहते हैं, जो वृक्ष पेड़ पौधों पे रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. एर्बोरियल एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ट्रीज. एर्बोरियल एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपने जीवन का मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो क्या करते हैं, पेड़ों पे ही बिता देते हैं. मंकीज, इसमें क्या कौन कौन से जानवर रहते हैं, देखिए मंकीज, लंगूर्स, स्क्वेरल्स एंड कैमेलियंस, ये सब क्या है, इनका जो जीवन होता है वो आधे से ज्यादा जीवन कहाँ पे बीतता है, पेड़ों पे ही बीतता है. आर सम ऑफ द एर्बोरियल एनिमल्स, ये कुछ हमारे एर्बोरियल एनिमल्स. दे हैव शार्प क्लॉज, इनका जो पंजा होता है वो बहुत ही तेज होता है, बहुत ही शार्प होता है. एंड स्ट्रॉन्ग लिम्स टू होल्ड ब्रांचेस, और जो इनकी लिम्स होती है बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि ये पेड़ की शाखा को बहुत कायदे से पकड़े होते हैं. एंड क्लाइंब ट्रीज, और एक ट्री से यानी एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूद के चले जाते हैं. मंकीज एंड कैमेलियंस हैव लॉन्ग टेल्स टू ग्रिप ब्रांचेस, अब मंकी और कैमेलियन जो होता है इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत ही लंबी होती है, जिससे ये ब्रांच को यानी पेड़ की शाखा को अपनी पूंछ से पेड़ की शाखा को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेते हैं. मंकीज स्विंग फ्रॉम ब्रांचेस एंड यूज देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्व्स एंड ग्रिप ब्रांचेस, अब जो मंकी होता है, जो बंदर होता है वो क्या करता है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच शाखा पे क्या करता है, लटकता भी रहता है. ठीक है, एंड यूज देयर टेल्स, और अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है टू बैलेंस देमसेल्व्स, अपने आप को संतुलित करने के लिए. एंड ग्रिप ब्रांचेस, और ब्रांच को यानी शाखा को जकड़ने के लिए. आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 35, एडाप्टेशंस फॉर फूड. एनिमल्स ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, अब जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ये कई प्रकार का भोजन करते हैं. ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज, अब खाने के प्रकार से यानी कौन सा जानवर कौन किस प्रकार का भोजन करता है, उसके प्रकार से इन जानवरों को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप में क्या किया गया है, बांटा गया है. तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, आइए देखते हैं. हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स, चार कैटेगरीज में जानवर को उनके खाने के मुताबिक बांटा गया है. तो सबसे पहले हम हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ेंगे. हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ये प्योर शाकाहारी होते हैं. ठीक, ये मांस मछली ये सब फ्लैश वगैरह नहीं खाते, ये शाकाहारी होते हैं. ठीक, तो आइए जो शाकाहारी जानवर हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स ओनली, हर्बीवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे काऊ, गोट, एलिफेंट. ठीक, गाय, बकरी और एलिफेंट जो है, हाथी जो है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो शाकाहारी होता है और सिर्फ प्लांट्स को खाता है. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनकी जो फ्रंट टीथ है यानी जो आगे के दांत हैं वो बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज होते हैं. फॉर कटिंग एंड ब्रॉड बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग, जो आगे के फ्रंट टीथ हैं वो किसके लिए होते हैं, कटिंग काटने के काम आते हैं, और जो पीछे के ब्रॉड वाले जो पीछे के चौड़े दांत होते हैं वो ग्राइंडिंग यानी से का काम करते हैं. द एनिमल्स दैट ईट ग्रास हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, वो एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं
ठीक है, जो घास खाते हैं उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, विच हेल्प देम टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो सहायता करते हैं कि वो लंबी दूरी तक क्या करें, चल सके। और जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, जो जिराफ होता है वो क्या होता है, उसका देखिए जो गला होता है वो बहुत ही क्या होता है, लॉन्ग होता है, यानी बड़ा होता है। सो दैट इट कैन ईट द लीव्स ऑन हाई ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो बड़ा गला क्या करता है, उसको सहायता करता है, किसमें सहायता करता है कि वो पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं की लीव्स को, पत्तियों को खा सकता है। अब हम आते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो मांसाहारी होते हैं, ऐसे जानवर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स, कार्निवोर्स जो होते हैं ये मांस खाते हैं, ठीक है, जैसे लायन, टाइगर एंड वोल, ठीक, बाघ, शेर और भेड़िया, ये सब क्या है, मांसाहारी जानवर है। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ फॉर टियरिंग फ्लैश, इनकी इनके पास क्या होता है, देखिए फ्लैश को यानी मांस नोचने और फाड़ने के लिए इनके जो टीथ फ्रंट के जो आगे के दांत होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं और घुमावदार होते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, जो मांस होता है उसे आसानी से फाड़ के खा सकते हैं। दे हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे, और इनके जो क्लॉज यानी जो पंजे होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, शार्प होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, अपने शिकार को यानी अपने प्रे को बहुत ही जल्दी कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। कार्निवोरस बर्ड्स लाइक ईगल्स, कार्निवोरस बर्ड्स कौन कौन सी, देखिए ईगल है एंड हॉक, ईगल और हॉक, हॉक बाज को कहते हैं, हैव शार्प बीक, इनकी जो बीक होती है यानी जो चोंच होती है वो बहुत ही शार्प, बहुत ही तेज होती है, एंड स्ट्रॉन्ग टैलंस, दे शार्प आईज, उनकी जो आईज होती है यानी जो उनकी आंखें होती हैं ईगल और हॉक की, क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। देन टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम फार अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत, मतलब ग्राउंड पे अगर कोई है जो जो इनका शिकार है तो इनकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि वो बहुत ही ऊपर से इनका इनको देख के और इनको पकड़ सकती हैं, अपना शिकार बना सकती हैं। अब हम आते हैं ओमनीवोर्स यानी जो सर्वाहारी होते हैं, ठीक, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओमनीवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स को भी यानी पेड़ पौधों को भी और एनिमल्स यानी जानवरों को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रो, कैट, ये सब क्या है, बिल्ली, बियर, ये सब क्या है, ये सब दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और पेड़ पौधों को भी खाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स, अब ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं ये भी क्या है, हम लोग भी क्या है, हम लोग भी भाई साग सब्जी भी खाते हैं और मछली और ये सब फ्लैश वगैरह भी खाते हैं, ठीक। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनकी जो फ्रंट टीथ होती है यानी जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। लाइक कार्निवोर्स फॉर टियरिंग फ्लैश, अब जो ओमनीवोर्स होते हैं इनके फ्रंट के दांत, आगे के दांत बहुत ही शार्प होते हैं, तेज होते हैं, लाइक कार्निवोर्स, जैसे कि कार्निवोर्स के होते हैं फॉर टियरिंग फ्लैश, इससे ये क्या करते हैं, जो फ्लैश होता है यानी जो मांस होता है उसे टियर करने यानी फाड़ने का काम करते हैं। एंड बैक ब्रॉड टीथ लाइक हर्बीवोर्स फॉर ग्राइंडिंग, और हर्बीवोर्स की तरीके क्या होते हैं, इनके जो पीछे के दांत होते हैं चौड़े वाले उससे ही क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं यानी पीसने का काम करते हैं। अब हम आते हैं पैरासाइट, पैरासाइट को हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। पैरासाइट्स आर द एनिमल्स दैट लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, पैरासाइट्स ऐसे जानवर होते हैं जो किसी और जानवर के ऊपर या अंदर रहते हैं यानी सरवाइव करते हैं। डिपेंड फॉर देयर फूड आर कॉल्ड होस्ट, जो कि दूसरे जानवर के ऊपर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, ऐसे जानवर को हम क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। फ्लीज, लाइस, बेडबग्स, लीचेस एटसेट्रा, ये पिस्सू और जू जो होती है बाल में, खटमल जो होता है, बेड बग जिसको हम कहते हैं, लीचेस जिसको जोंक कहते हैं एटसेट्रा, ये सारे जानवर क्या है, पैरासाइट हैं। लिव ऑन द होस्ट बॉडी एंड सक ब्लड व्हाइल
और ये क्या करते हैं, देखो जूं जो होता है वो बाल पे होता है तो क्या करता है, हमारे शरीर का खून को जो क्या है सक करता है, नहीं चूसता है। तो ऐसे जानवर दूसरे के शरीर में या दूसरे के शरीर के ऊपर रहते हैं और क्या करते हैं कि उसकी बॉडी में से क्या चूसते हैं, ब्लड को चूसते हैं। व्हाइल टेपवॉर्म्स, राउंडवॉर्म्स एंड हुकवॉर्म्स लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। और ये जो टेपवॉर्म, राउंडवॉर्म और हुकवॉर्म है, ठीक, ये क्या करते हैं, ये दूसरे जानवर की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट्स हैव सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। जो पैरासाइट यानी जो परजीवी होते हैं उनमें एक ट्यूब होती है जिसको कि हम सकिंग ट्यूब कहते हैं, उससे वो क्या करते हैं, दूसरे जिसके ऊपर या जिसके जिस जानवर के ऊपर और जिस जानवर के अंदर रहते हैं उसका ब्लड क्या करते हैं, चूसते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एडाप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन विद सो मेनी प्रेडेटर्स अराउंड। आपको पता है जानवरों के बहुत सारे एनिमीज भी होते हैं यानी शिकारी भी होते हैं, तो प्रेडेटर्स को हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। एन एनिमल इज नेवर सेफ, तो इतने सारे शिकारियों के बीच में जो एक जानवर है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एनिमल्स हैव टू स्टे वेरी अलर्ट ऑल द टाइम। जो जानवर होते हैं वो हर समय बहुत ही सक्रिय यानी बहुत ही अलर्ट रहते हैं कि उनके ऊपर कहीं दूसरा जानवर हमला ना करते। इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर देम। क्यों सक्रिय रहते हैं, क्यों कि यू उनके जीने और मरने का सवाल रहता है, इसलिए जानवर जो होते हैं वो बहुत ही सक्रिय होते हैं हमेशा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल टू प्रोटेक्ट इट्सेल्फ। अब एक जानवर के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करे यानी अपने आप को सुरक्षित करे। एंड कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस, और वातावरण में अपने आप को जीवित रख पाए और रिप्रोड्यूस करता रहे। लेट अस सी हाउ सम एनिमल्स अडैप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फॉर देयर लाइफ। अब देखते हैं कि कुछ एनिमल्स हैं जो अपने आप को बचाते हैं अपने दुश्मनों से, तो आइए हम उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 37 खोलिए। सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स, व्हेल्स एंड हिप्पोपोटामसेस स्केयर अवे देयर एनिमीज बाय देयर साइजेस। अब देखिए एलिफेंट, व्हेल और हिप्पोपोटामस जो होता है ये अपने एनिमीज को कैसे डराते हैं, अपने दुश्मन को कैसे डराते हैं, अपनी साइज, इनकी जो साइज होती है वो बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही बड़ी होती है। देखिए एलिफेंट जो है वो बहुत ही विशाल यानी बहुत ही भारी जानवर है, तो क्या होता है कि ऐसे जानवर अपनी साइज से अपने एनिमीज को यानी अपने दुश्मन को डराते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एनिमल्स लाइक डियर एंड गैजल्स, गैजल किसे कहते हैं, एक छोटा सुंदर बारा सिंघा जो होता है उसे हम गैजल कहते हैं। तो डियर और गैजल हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। एंड कैन ईजिली रन अवे फ्रॉम डेंजर, और अपने जब इनके पैर मजबूत हैं तो ये क्या करते हैं, अपने आप को जल्दी से भगा लेते हैं अगर इन्हें कोई खतरा सामने नजर आता है तो ये भाग जाते हैं जल्दी से। द स्ट्रिप्स ऑन ए जेब्रा एंड द स्पॉट्स ऑन ए डियर। जेब्रा पे जो स्ट्रिप्स होती है, जो काली काली सफेद सफेद पट्टियां होती हैं वो, और डियर पे जो स्पॉट्स होते हैं, जो बिंदिया बड़ी बड़ी बिंदियां होती हैं, हेल्प देम टू ब्लेंड इन देयर विद देयर सराउंडिंग्स। ये अपने परिवेश में अपने आप को अपने इस क्वालिटी से यानी स्ट्रिप्स और स्पॉट्स से अपने आप को उस परिवेश में ढाल लेते हैं। इट इज कॉल्ड कैमोफ्लॉग, इसे हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लैग कहते हैं। ठीक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट अ लीफ इंसेक्ट एंड अ स्टिंग इंसेक्ट बिकॉज। अब देखिए पेड़ पे कुछ कीड़े जो हैं वो बैठे होते हैं, ठीक है, तो हम उसे पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते, क्योंकि बिकॉज दे लुक लाइक अ लीफ, क्योंकि वो उसी कलर के होते हैं और बिल्कुल पत्तियों के तरीके दिखते हैं, इसलिए हम पत्तियों पे बैठे हुए कीड़े को पहचान नहीं पाते। एंड द क्विक रिस्पेक्टिवली, और जो टहनी और डाली के तरीके वो हमें लगते हैं, इसलिए हम उसे पहचानने में धोखा खा जाते हैं, नहीं पहचान पाते। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग। जो गिरगिट होता है वो क्या करता है, अपना रंग बदल देता है यानी अपने वातावरण में अपने आप को सर्वाइव जीवित रखने के लिए वो अपने कलर को क्या करता है, बदल देता है, अपने रंग को बदल देता है।
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, द आर्कटिक फॉक्स चेंजेस द कलर ऑफ इट्स फर। अब एक आर्कटिक लोमड़ी होता है, वो क्या करता है, अपने फर यानी जो उसके फर होते हैं, रोइंग जो होते हैं, उसका कलर चेंज कर देता है। कैसे चेंज करता है? कलर ऑफ इट्स फर फ्रॉम ब्राउन टू वाइट, ब्राउन से यानी भूरे से वो अपने आप को, अपने फर का कलर किसमें चेंज कर देता है, वाइट में चेंज कर देता है। टू ब्लेंड इन विद देयर सराउंडिंग स्नो, क्यों? क्योंकि वो स्नो में रहता है, उसकी सराउंडिंग वातावरण क्या है, पूरा बर्फीला है, तो वो अपना कलर चेंज कर देता है, बर्फ के कलर का हो जाता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 38। अ पॉर्क्यूपाइन्स बैक इज कवर्ड विद शार्प क्विल्स। अब एक पॉर्क्यूपाइन होता है, एक प्रकार का ये जानवर है, ये क्या करता है, इसके बहुत ही, इसके जो पंख होते हैं, क्विल्स जो होते हैं, वो बहुत ही शार्प यानी बहुत ही तेज होते हैं। इट रोल्स इट सेल्फ इन टू अ बॉल वेन इट सेंसेस अ डेंजर। ये क्या करता है, जब इसे कोई खतरा लगता है पॉर्क्यूपाइन को, तो ये अपने आप को एक बॉल में क्या करता है, बदल लेता है, यानी बॉल के तरीके हो जाता है और अपनी बॉडी को सिकोड़ लेता है और बॉल के रूप में बना देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अ टॉर्टॉइस हैज अ हार्ड शेल ऑन इट्स बैक। जो टॉर्टॉइस होता है, कछुआ होता है, उसकी जो खोल होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, मजबूत होती है, ऑन इट्स बैक, और कहाँ पे होती है, उसके बैक के पीछे पे होती है। इट हाइड्स इनसाइड इट्स हार्ड शेल टू सेव इट्स, वो अपने आप को छुपाता है, कहाँ, अपने हार्ड शेल में छुपा लेता है खुद को बचाने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब पफर फिश, ये एक पफर फिश कांटेदार विषैली मछली होती है, एस्केप्स फ्रॉम एनिमीज बाय पफिंग अप लाइक अ बलून। ये अपने आप को अपने दुश्मन से बचाने के लिए क्या करती है, अपनी बॉडी को एक बलून के रूप में, एक गुब्बारे के रूप में चेंज कर देती है। दिस मेक्स द शार्प स्पाइंस ऑन इट्स बॉडी स्टिक आउट, और इससे क्या होता है कि इसकी जो कांटेदार, ये मछली जो इसके कांटे होते हैं, वो इसको मोच पहुंचा देते हैं बार बार बैलून की तरह बनाने में, फिर अपने ओरिजिनल शेप में आने में, तो इसके शरीर में कुछ घाव हो जाता है। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अ फ्रिल्ड लिजार्ड, एक झालरदार छिपकली होती है, हैज अ लार्ज फोल्ड ऑफ स्किन, इसकी जो स्किन होती है यानी जो त्वचा होती है, उस पर कई तरह की तह होती है, अराउंड इट्स नेक, और वो तह कहाँ पे होती है, त्वचा में तह होती है, वो उसके नेक पे यानी गले पे होती है। वेन अटैक्ड, जब इसके ऊपर हमला होता है, इट ओपन्स अप इट्स फ्रिल एंड हिसेस टू स्केयर अवे इट्स एनिमी। तो वो क्या करती है, लिजर्ड पे जब हमला होता है, वेन अटैक यानी जब इसके ऊपर हमला होता है, तो ये अपने जो इसकी जो झालर होती है उसको वो खोल लेती है और अपने एनिमी को सिसकारती है, डराती है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, और इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा, ठीक, इसकी एक्सरसाइज को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, और इसमें आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट क्या है, आपको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और पैरासाइट्स, ये जो जानवर हैं, इनकी पिक्चर को कलेक्ट करना है किसी बुक से या नेट से कहीं से भी, और अपने कॉपी में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट्स इस हेडिंग में, यानी जो हर्बीवोर्स में आते हैं उनको हर्बीवोर्स में चिपकाइएगा। तो आपको ये आपका इस चैप्टर में प्रोजेक्ट वर्क है, आप जब अपनी कॉपी सबमिट करिएगा तो इस प्रोजेक्ट वर्क को भी अपनी कॉपी में करके दीजिएगा।